हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो मैं अपने एक बहुत अजीज दोस्त है मेरा इमरान साहब, तो उनके पास आए हैं और शरियार भी मेरे साथ है। शरियार साहब, तो क्या आज आपकी फरमाइश चलेगी या इमरान भाई की फरमाइश चलेगी? उनकी चलने दे, मेहमान मेहमान होते हैं, पहले उनकी मेहमान बेजुबान होता है ना। चले, हम तो जुबान है ना उनकी, बेजुबान रहे बेश। तो अभी हम मैं बताता हूँ आपको, हम मैं वीडियो भी उनकी रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखिएगा। हाँ साहब, सर क्या हाल है? ठीक है, हम सब खैर खैरियत है। तो आज खाना खाने जाना था, आप हमारे मेहमान, आज हमारे मेहमान है। कहाँ पे चले हम? बन्नू ब्लॉक पे। तो ओके हो गया, लॉक कर दें, डन कर दें, ओके हो गया। ठीक है, इमरान साहब ने तो क्या है, तो शरियार भाई इमरान साहब ने तो क्या है कि जाना है हमने बन्नू पे, तो बन्नू फिर हो जाए, स्टार्ट कर दें। चलो फिर लॉक कर देते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के फिर वीडियो आपको दिखाते हैं, वहाँ का मंजर भी और ऑर्डर भी करते हैं। बनू वैसे ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है बनू पुलाव ने। सरगोधा में बहुत कम ऐसे लोकेशंस हैं जो बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार मिला है आवाम की तरफ से, और बहुत अच्छी वो अर्निंग कर रहे हैं। तो चलें हमारे साथ, रहिएगा। ओके, तो हम आ गए हैं बन्नू पुलाव पे। तो बन्नू पुलाव की आप फुटेज देख रहे होंगे, तो इन्होंने बड़ा अच्छा हमारे इस्तकबाल किया, हमें रोका नहीं है वीडियो बनाने से। मोस्टली सरगोधा में ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे इन्होंने तावन किया, तो चले आप मेरे साथ चले, हम अंदर का व्यू करते हैं इनके मज़े का जो है वो बन्नू पुलाव, उसकी मैं आपको रिव्यू दूँगा और उसकी हम कवरेज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इनका ये जो पतीला है ये खाली होने वाला है इनका, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सरगोधा में टेस्ट है। तो काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ पे आती है, अभी मैं आया हूँ 12:30 बजे आया हूँ, लेकिन इनका अब ये पतीला देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन बड़ी बरकत है जिसकी वजह से इनका ये फिनिश हो गया। अब ये दूसरा लेकर आएंगे, वो हम अभी कवरेज करते हैं। इनका सेटअप बड़ा ज़बरदस्त है, और ये देखें क्या ही इनकी पैकिंग डिस्पोजिबल है, और ये तोल के कंडा इनका है उसमें देते हैं, इनका आधा किलो किलो पाव वाला हिसाब है इनका। तो इनका ये हलवा भी है, इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं जब लास्ट टाइम आया था उस टाइम हलवा इनके पास नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया इनके स्टाफ ने कि हलवा हमारा है, ये भी हम टेस्ट करेंगे। तो ये देखें आप, ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में तो काफ़ी ही ज़बरदस्त सा ये लग रहा है, देखें क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये आप देख रहे हैं, ये नली है, गोट है, इसमें जो मिक है वो भी हम ये डलवाएंगे और मिक भी खाएंगे, और उसके अलावा क्या ही ज़बरदस्त, जैसे पिशावर के नमकीन खाने नहीं होते हैं, ये पुलाव बेसिकली बीफ पुलाव है, क्या ही मज़े का। ये आप लोग अगर देख लेना, ज़बरदस्त। तो अभी हम इनके डाइनिंग में जा रहे हैं, डाइनिंग इनका बड़ा ज़बरदस्त सा ये हॉल है, ये देखें अभी मैं दोपहर को आया हूँ, तो ये बड़ा खाना खा रहे हैं लोग, बड़े मज़े का इन्होंने। तो ये ज़बरदस्त सा मेरा ऑर्डर आ गया, तो देखें हमने 1 किलो हमने ये चावल किए हैं बीफ पुलाव जो है, और उसके साथ ये हमने गोट जो नली है वो किया, तो अभी हम ये खाएँगे। इसका जो आप लुक देख रहे हैं क्या ही बात है, तो बेसिकली ये जो हड्डी है ये इसमें मिक है, ये मिक आई लव दिस। तो इसे खा के हम देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो मेरे साथ इमरान साहब, मुजम्मिल साहब और शरियार भाई और मैं खुद। ये ठंडी ठंडी बोतलें हैं, ये भी पियेंगे इसके साथ। तो भाई ने बड़ा तावन किया है, भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये रायता, रायता इन्होंने फ्रेश रेडी कर रहे थे जिसकी वजह से ये बाद में लेकर आए हैं। तो अब ये मैं रायता है, रायता मैं इस पर डिप करके, तो अभी ये राइस आप
क्या ही रहा है, ज़बरदस्त। इसके साथ मैं ये जो इनकी बीफ है वो खा के हम चेक करते हैं कि उसका कैसा टेस्ट आ रहा है। तो अब ये आप देख रहे हैं, हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना ये बीफ पुलाव था। तो ये जो गोट है, जो नली है, ये हमने काफ़ी मेहनत करने के बाद ना ये आधी निकली, आधी फिर भी ये बीच में आई, देखें अभी भी ये आधी है, लेकिन वो हमारे पास औजार नहीं है। इमरान साहब कह रहे हैं इसे खरादी के पास ले जाते हैं, या ले जाते हैं, लेकिन ना मसला ये है कि ले जाने के लिए हमें कोई शापर या वो देंगे नहीं ये, पर अच्छा भी नहीं लगा। शरियार साहब आप क्या कहते हैं, छोड़ दें? क्या बात है, क्या बात। फिर यार आपकी मान लेते हैं, आप कहते हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूँ इसको, वरना मैं साथ लेकर जाना था इसे। तो अभी ये इनका बड़ा मज़े का, ये जो मैंने आपको उस टाइम उन्होंने हमें बताया था कि ये इनका हलवा है, तो मुझे तो ये कद्दू का लग रहा है, कद्दू वाला हलवा, लेकिन ये इसको हम टेस्ट करके बताएँगे कि ये क्या है फ्लेवर इनका। जो है ना बीफ पुलाव, बीफ पुलाव तो बड़ा मज़े का, इन्होंने अब जो मिख भी इनकी बीच में आ रही थी और बोटियाँ, बड़े अच्छा इनकी क्वांटिटी है। अगर आप बेसिकली नमकीन खानों के शौकीन हैं तो नमकीन आपको इस सरगोधा में राइस में सबसे बेहतर ये बन्नू पुलाव मिलेगा। मैं कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप बेशक गूगल मैप करके यहाँ पे डायरेक्ट आ जाइएगा। मज़ेगा वैसे ना, और आप मज़ेगा ठंडा हुआ हुआ। बाकी जो इनका है ना, मैंने एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में खाया था, उस जैसा ही है, लेकिन ओवरऑल ये गुड एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे ये हलवे से ज़्यादा जो मज़ा दिया है, मुझे इस राइस ने दिया, बन्नू पुलाव ने दिया, तो ये भी ओवरऑल ठीक है, तो सही है, गुड है। तो अभी हमने खाना खा लिया है, तो बहुत ही मज़े का। अब हम अपना जा रहे हैं अपने काम की तरफ, भाई भी जा रहे हैं। इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कंपनी दी। शरियार साहब, मुजम्मिल साहब, तो आपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।